हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिक्स जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। राइस इंस्टीट्यूट रिसर्च कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिलीपींस। फिलीपींस के अंदर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, जैसे आप सभी को बताया कि मलीना इसकी कैपिटल है। कैपिटल जो है वह मनीला। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे एडीबी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर भी मनीला के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो इंटरनेशनल है, इंडिया के अंदर भी नेशनल नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कहाँ पे स्थित है? वह कटक, कटक, कटक उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, ये कटक दूसरा है, उड़ीसा एक और है, कटक जो कि झारखंड, झारखंड में स्थित है। ये कटक अलग है, उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कटक के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल तो आपको बता दिया फिलीपींस के अंदर है, और नेशनल कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर, कोलालंपुर, कोलालंपुर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विजय स्तंभ स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी को पता होगा विजय स्तंभ के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान के अंदर है विजय स्तंभ। ठीक है, याद रखिएगा, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, राजस्थान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलोर, नई दिल्ली और चंडीगढ़। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा, वो होगा चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, पंजाब, पंजाब व हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है पुणे, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पुणे, पुणे के अंदर स्थित है, पुणे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का 1952 के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, ये आईसीएमआर, ओ सॉरी आईसीएमआर, आईसीएमआर यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अधीन आती है। याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अधीन ये आती है। 1952 में फॉर्मेशन हुआ था, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण, COVID-19 के कारण जितने भी मेडिकल से रिलेटेड संस्थाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, COVID-19 के कारण इन्होंने कुछ ना कुछ देश के लिए किया है, दवाई, दवाई जो बनाने में उन्हें मदद की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बॉम्बे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान विज्ञान संस्थान स्थित है वह बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर आप सभी को बताया कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? तो आई थिंक ये थोड़ा रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन चंडीगढ़ के अंदर स्थित है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र में स्थित है, यानी कि कौन से स्थान पर है सेलुलर, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र में स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिसका आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। मैंने आपको बताया कि कोविड 19 के कारण जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि रिसर्च करती हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब इनके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए आप सभी को, कहाँ पे स्थित है ये सभी जानकारियाँ होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है? तो सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है नांगल, भाखड़ा, मैथन और हीराकुंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि हरियाणा, हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और ये जो है ना ये भाखड़ा नांगल बांध ये बड़ा बांध है, बड़ा इनकी जो बड़ा है वह इसके अंदर है लंबा बांध हीराकुंड बांध है और ये हिमाचल प्रदेश HP, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है वेटिकन सिटी, टोंगा, नोरिया, मोनाका। तो जो सबसे छोटा देश है कंट्री है वह वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी जैसे कि ये इटली है तो इटली के अंदर एक छोटा सा स्थान है वही वेटिकन सिटी है, ठीक है? इटली के अंदर ये इटली के अंदर एक छोटा सा स्थान है वेटिकन सिटी और उसी को हम एक सबसे छोटा देश मानते हैं, ठीक है? इटली के बारे में बात करते हैं, रोम यहाँ की राजधानी है जो कि खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसीलिए यहाँ पे जो IFO इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन है जो यहीं पे स्थित है, ठीक है, रोम के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है, कैथेड्रल शहर किसको कहा जाता है? ऑप्शन है बनारस, कांचीपुरम, मदुरे या भुवनेश्वर। जो इसका आंसर होगा वो होगा भुवनेश्वर, ठीक है? उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, ठीक है? आपको पता है कि यहाँ पर ही हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा वो यहीं होगा भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर वो है बेंगलोर, आप सभी को पता होगा बेंगलोर के बारे में, बेंगलोर तो जैसे कि बेंगलोर के अंदर अभी मैंने बताया ISSC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहीं पे स्थित है, ठीक है? और बेंगलोर जो बेस्ट सिटीज होती हैं वह रहने के लिए बेस्ट सिटीज के अंदर टॉप पे है बेंगलोर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलोर, रुड़की या हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है? विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं, अजंता की गुफाएं, ठीक है? ये जो चोल वंश था उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, इनकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? VSSC विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, इसको VSS के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा,
कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है ये, ठीक है। केरल की राजधानी केरला। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन भी याद रखिए आप इसका। इसका जो तो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1963, ठीक है, इसका ये फॉर्मेशन हुआ था। और इसी की तर्ज पर फिर इसरो, इसरो का निर्माण हुआ था 1969 के अंदर इसरो का निर्माण हुआ था। लेकिन अब इसरो इसको सारण को इसको संभालता है, यानी कि इसरो के अंडर ये काम करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन से हैं? चिमन भाई पटेल, भजन लाल, हितेश्वर सेकिया या ज्योति वसु? क्या आंसर होगा इसका? जो इसका आंसर होगा वो होगा ज्योति वसु, ज्योति वसु, ज्योति वसु, वसु जो कि वेस्ट मंगोल, वेस्ट मंगोल के अंदर स्थित है। अब वेस्ट मंगोल के अंदर ये मुख्यमंत्री रहे थे 1977 से 2000 के बीच में, ठीक है। और वेस्ट मंगोल के हैं ये क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि हाल ही में वो जो पश्चिम बंगाल है वह खबरों में रहा था, ज्योति वसु, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हवा महल आप लगभग सभी लोग जानते होंगे हवा महल के बारे में, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय कैंसर अनुसंधान, भारतीय कैंसर कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मुंबई, मुंबई के अंदर ही ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय अभिलेखागार एचयूएस स्थित है, अभिलेखागार। ऑप्शन है नई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, देहरादून। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका आंसर होगा। न्यू दिल्ली के बारे में बात करें तो 1911 के अंदर, यानी कि 1911 के अंदर कलकत्ता से दिल्ली इसका कर दिया गया था, मतलब न्यू दिल्ली बनाई गई थी, मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई थी कलकत्ता से हटाकर न्यू दिल्ली। और यूनियन जो टेरिटरी बनी थी ये 1937 के अंदर इसको यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बुलंद दरवाजा स्थित है, ऑप्शन है दिल्ली, बीजापुर, हैदराबाद या फतेहपुर सीकरी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा स्थित है। इसका निर्माण अकबर, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, सिक्किम और मेघालय। तो जो ऑप्शन होगा इसका सिक्किम, सिक्किम, सॉरी सिक्किम, सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस एकेडमी, अकेडमी से याद आया कि हमारे यूट्यूब चैनल मुराद एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मुराडिया एकेडमी, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वह खड़कवासला, खड़कवासला के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, ठीक है। और ये खड़कवासला कहाँ पर स्थित है? जो खड़कवासला स्थित है वह पुणे, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। खड़कवासला एक डैम भी है, डैम ध्यान रखिएगा, बांध, जो कि झारखंड के झारखंड में स्थित है, झारखंड में, ठीक है, सॉरी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कटक, धनबाद, भावनगर और जमशेदपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो इसका आंसर होगा वो होगा धनबाद, धनबाद के अंदर केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है। ठीक है, धनबाद कहाँ पे है? धनबाद झारखंड के अंदर। झारखंड यहाँ की जो सीएम है वह हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विजय घाट के किनारे स्थित है, इनकी विजय घाट किसके किनारे पर स्थित है, कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, कावेरी और घग्गर। क्या आंसर होगा, तो जो इसका आंसर होगा यमुना, यमुना नदी के किनारे पर विजय घाट स्थित है। ठीक है, जो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे मराठा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए। तो कृपया पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।